स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप जानते हैं दोस्तों, इस प्लांट को देखकर ही आप समझ गए होंगे। वैसे तो दोस्तों हर घर का ये कॉमन प्लांट है, इसे मेरीगोल्ड भी बोलते हैं और गेंदे का प्लांट भी बोलते हैं। ज़्यादातर दोस्तों इसे प्रोपोगेशन की बात करूँ तो इसके फ्लावर है वो सूख जाने के बाद इसमें से बहुत ही बढ़िया और अच्छे सीड है वो हमें कम खर्च के साथ या तो कोई भी खर्च के किए बिना भी हमें इसके सीड है वो मिल जाते हैं। और सिंपल मेथड है दोस्तों, इसको स्प्रिंकल कर दिया जाए तो थोड़े ही दिनों में दोस्तों इसके छोटे बेबी प्लांट है वो बनने लगते हैं। इसके दोस्तों गमले में किस तरह से ग्रो किया जाता है और ग्राउंड में किस तरह से ग्रो किया जाता है उसकी बात करूँ, यदि दोस्तों गमले में हो तो आप एक अच्छी वाली मिट्टी का मिश्रण तैयार कर लीजिए। उसमें गार्डन सॉइल और थोड़ी भुरभुरी या तो बालू प्रकार की थोड़ी रेत वाली मिट्टी का मिश्रण तैयार कर दीजिए। वॉटरिंग है वो दोस्तों अच्छी तरह से गमले में से ड्रेनेज हो जाना चाहिए, ओवर वॉटरिंग की वजह से कभी कभी प्लांट है वो मर जाते हैं। तो ये दोस्तों मिट्टी की बात हुई, गमला आप छोटा बड़ा कोई भी प्रयोग कर सकते हो। गमला दोस्तों बड़ा होगा तो अच्छी तरह से ग्रोथ पे भी आएगा, साथ ही इसका जो फ्लावरिंग है वो ब्लूमिंग के आने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि ये फ्लावर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। फल फूल की बात करूँ दोस्तों तो आपको पता है कि इसमें कोई फल तो लगते नहीं है, पर फ्लावर है वो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे और खुशबूदार होते हैं। और दोस्तों इसके अच्छे फ्लावर लेने के लिए आप इसे बहुत ज़्यादा खाद ना दें, कम खाद के साथ यदि ये दोस्तों अच्छी तरह से रहेगा तो ही इसमें अच्छे फ्लावर लगेंगे। क्योंकि केवल पौधा दोस्तों खाद की वजह से बढ़ेगा, हरा रहेगा, पत्तियाँ अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें ज़्यादा फ्लावर नहीं बनेंगे। तो गोबर खाद या तो वर्मी कंपोस्ट है वो दोस्तों इसकी ज़रूरत के हिसाब से ही आप इसमें प्रयोग करें। फूल पर दोस्तों एक ज़्यादा स्प्रे भी ना करें वॉटरिंग का, क्योंकि पानी देने से दोस्तों इसके फूल पर कुछ ना कुछ डिसीज है कुछ समय में लग सकते हैं, वहाँ से ही डिसीज की शुरुआत होती है और फिर कुछ दिनों में दोस्तों प्लांट है वो मर भी सकता है। ज़्यादा फूल लेने के लिए दोस्तों इसके एक दो बार इस पर शुरुआती दिनों में जब भी कलियाँ बने तो इसमें कलियों को आप हटा दें, मतलब ये है कि इसमें पिंचिंग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों आगे की जो ग्रोथ रहेगी वो भी अच्छी रहेगी और इसमें अच्छे खासे फ्लावर खुशबूदार तो होते ही है दोस्तों। तो इस तरह के फ्लावर है वो बनेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि देखिए एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, कभी कभी दोस्तों ऐसे सूख जाते हैं तो ये एक लाइफ साइकिल की वजह से भी होता है दोस्तों। कुछ प्लांट है वो दोस्तों वैसे तो ये लिमिटेड चलने वाला सीजनेबल ही प्लांट है, तो इसकी लाइफ साइकिल है वो दोस्तों कुछ समय में रहती है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो दोस्तों इसका पूजा में भी यूज़ होता है और कई किसान लोग है उसकी खेती भी करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी ले रहे हैं। इसको दोस्तों धूप छाव की बात करो तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप जहाँ 4-6 घंटे की धूप आती हो उस जगह पर रखें, लेकिन पार्सल शेड में डायरेक्ट धूप आती हो दोस्तों उस जगह पर इससे प्लांट के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जो धूप दोस्तों रखने का मतलब एक यह भी है कि इसको धूप में रखोगे दोस्तों तो कुछ ना कुछ डिसीज है वो कम आएगी, इसमें ज़्यादा डिसीज लगने के भी चांस नहीं रहेंगे। दोस्तों इसको मौसम की बात करूँ तो आप अगस्त सितंबर या तो सर्दियों के मौसम में इसे लगा सकते हो। दोस्तों कभी कभी सर्दियों के मौसम में फंगस है वो आते रहते हैं, यदि गमले में हो दोस्तों तो अभी मैं बताता हूँ, गमले में हो दोस्तों तो इसकी लाइफ साइकिल है वो 2-3 मंथ की होती है। कभी कभी आपने अभी जो पत्ता सूखा देखा ना तो 2-3 मंथ के बाद इस तरह से सूखने लगते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल है वो 2-3 मंथ की गमले में होती है। जबकि गार्डन में दोस्तों यदि हमने ग्राउंड में ग्रो किया हो तो इसकी लाइफ साइकिल 4-6 मंथ तक बन सकती है दोस्तों। तो इतना डिफरेंस है गमले में और ग्राउंड में। इसकी दोस्तों हल्की फुल्की गुड़ाई भी आप कर सकते हो और नीम ऑयल का स्प्रे भी आप एकाध मंथ में एक या दो बार कर सकते हो दोस्तों। इसकी फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो बहुत ही कम मात्रा में इसे फर्टिलाइज़र की आप ज़रूरत होगी। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो एकाध मंथ में एक बार या तो दो बार, इसके साथ NPK सीवीड इस तरह का आप दे सकते हो। फंगस दोस्तों आए तो आप इसमें मिलीबर वगैरह कभी कभी आ जाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करें और एक अच्छे सा इसका द्रावण तैयार कर इसको छिड़काव कर सकते हो आप। उसके अलावा दोस्तों ये आउटडोर प्लांट है और इसकी केयर की जाए दोस्तों तो लाइफ साइकिल थोड़ी बढ़ सकती है।
आई होप दोस्तों काफी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज मैं और बता दूं कि ये पौधा पक्षियों को भी ज्यादा आकर्षित करता है, जैसे कि बटरफ्लाई, मधुमक्खी, चिड़िया, तो ये सभी चीजों इसे आकर्षित करता है, पसंदगी का पौधा है। और ये पौधा दोस्तों अगल बगल में सब्जियां हो तो अच्छी तरह से ब्लूमिंग में आएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर।